नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपया वैट के रूप में जमा किया। यदि वैट के दर 4% हो तो यह बताइए कि उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा। देखिए टोटल आपको पता नहीं है कितना धन है उसके पास में, 3 माह बेचने के बाद में उसका जो मूल धन है कितना जमा किया है, ठीक, मूल राशि या मूल धन, ठीक, कितना जमा किया पता नहीं है, कितना जमा किया तो उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और 3 माह बेचने के बाद में इतना रुपया का किया है सामान बेचा, और इतना रुपया के सामान बेचने के बाद में 4% इसका 4% जो टोटल धन है, तो देखिए धन का 4% धन का 4% यानी कि 4500 रुपया वैट के रूप में जमा किया। धन का 4% धन का 4% वैट के रूप में जमा किया यानी कि 4500 रुपया जमा किया। तो धन क्या है इसके पास, एक्स धन बेचा है, यही ना। चलिए का के मतलब का होता है गुना, अब फोर का तो फोर जानते हैं, और ये हटता है तो क्या बैठता है नीचे, 100 परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या बैठेगा, 100। चलिए अब देखिए एक्स इक्वल टू कितना आई, 4500 रुपया आ रहा इधर। चलिए तो हम क्या करेंगे, ये देखिए इधर भाग में है, भाग कर रहा है ना फोर को, तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुना करेगा, ये गुना कर रहा है इसमें तो ये जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे देखो, गुना कर लेंगे, 25 0 0 25 0 0, 25 125 125 के 5 हाथ में लगा, क्या हाथ में लगा, 12, 25 चौका 100, अब 12 100 12, इतना रुपया का बेचारा का किया था, कुल धन का सामान बेचा था कितना, 1,12,500 रुपया का टोटल बेचा था, ठीक है, दिक्कत नहीं ना इसमें, ठीक।